नमस्कार, आज हमारे साथ हर्ष भाई पटेल हैं। मैं प्रशांत बंसल, हंटिंग ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से। हर्ष भाई एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, धौलपुर कंपा गुजरात से, अरवली डिस्ट्रिक्ट। आज हम एक चर्चा करेंगे कि हर्ष भाई किससे कि हंटिंग के साथ इनका जो सफ़र है वो कैसा रहा और किस चीज़ से उन्होंने शुरुआत करी हंटिंग के प्रोडक्ट से, और आज वो क्या रिकमेंड करते हैं। हर्ष भाई खुद एक कंसल्टेंट है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, लोगों को, किसानों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हर समय हर पल तत्पर रहते हैं। हर्ष भाई आपका स्वागत है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहला प्रोडक्ट हंटिंग का कब और कौन सा शुरू किया था। सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन हंटिंग के साथ नैनो रिच से हुआ था। और उसका एज ए लीफ टेस्ट करके हमने उसको, हमारे साथ इंट्रोडक्शन हुआ तो तब रिजल्ट देख के हमने रेगुलरली नहीं पहले, लेकिन एक एक स्प्रे में हमने ट्रायल के बेसिस पे इसका शुरुआत किया था और बाद में देखा कि इसमें रिजल्ट आ रहा है और थोड़ा बहुत डोज भी कम कर सकते हैं कई प्रोडक्ट्स में, तो डोज कम अगर कम करते हैं फिर भी रिजल्ट बरकरार रहता है, तो ये मार्केट के और भी स्टिकिंग एजेंट्स हमने यूज किए हैं पहले, उसके हिसाब से हमको ये वाला स्प्रेडर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव लगा। तो आज शुरुआत हमने इससे की थी, आज हर स्प्रे हम नैनोरिच के साथ करते हैं। जी धन्यवाद हर्ष भाई। ये आपने जब इसका टेस्ट किया था तो रिजल्ट कितने टाइम में इसका वेरीफाई हो जाता है, अगर मैं किसी किसान को बोलूं कि भाई इसको पहले चेक करो? विद इन वन मिनट इसका डिफरेंस जोन में बिल्कुल आ जाता है। और ये आप कब से यूज कर रहे हैं? ये लास्ट 5-6 साल से हम अपने फार्मिंग में इसको यूज कर रहे हैं। और हर्ष भाई आज आप क्या समस्या देखते हैं किसान के खेत में, किसान किस चीज से ज्यादा ग्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है? आज तो दो वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हमारे नॉलेज में जो हम पहले देखते हैं उसकी बात करें जी, तो पहले आज किसान जो अपने खेत में फर्टिलाइजर्स डालता है और पेस्टिसाइड्स डालता है उसकी इफेक्टिविटी कम आज दिखने को मिल रही है। जो सेम डोज आज से 4-5-10 साल पहले सेम डोज में जो इफेक्ट मिलती थी, रिजल्ट्स मिलते थे, वो आज नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण अगर हम अपने नॉलेज से जस्टिफाई जो कर रहे हैं वो हम ऐसा समझते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ इंसेक्ट पेस्ट में जो कि सेम डोज में आज वर्क नहीं कर रहा है, रिपीटेड यूज करने के लिए, और ओवरडोज कभी कभी हो जाता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और बायोलॉजिकल साथ में नहीं यूज करते हैं फार्मर्स। आज क्या है कि कहीं ऐसे डिजीज है जो 100% बायोलॉजिकल से सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन उसमें केमिकल भी यूज करना पड़ता है और केमिकल अकेला भी नहीं रोल प्ले करता, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज कर रहे हैं सालों से और एक्सेलेंट रिजल्ट हमको मिल रहा है। और बायोलॉजिकल्स में भी आजकल मार्केट में देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते थे, बाद में ये हंटिन का डिसनिल सॉइल हमारे सामने आया क्योंकि ट्राइकोडर्मा आज सबसे वाइडली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। यस, ट्राइकोडर्मा सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर सॉइल काइंड ऑफ डिजीज। तो इसमें देखा, थोड़ा स्टडी भी किया प्रोडक्ट के बारे में, ट्रायल्स लिए, तो मालूम पड़ा कि सभी जो मार्केट में अवेलेबल है जो ट्राइकोडर्मा वो माइसिलियल फॉर्म में होती है जो लिविंग थिंग है, और उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती। हम जो काउंट बोलते हैं उसमें काउंट डे बाय डे जैसे पास होता है उसमें कम होते जाते हैं, तो ऐसे हमको ये देखने को मिला डिसनिल में, ये सब स्पोर फॉर्म में आता है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज सब, तो ये फील्ड में डालने के बाद ही एक्टिवेट होगा, तो लाइफ लॉन्ग रही और काउंट भी इसमें ज्यादा रहते हैं, डोज कम लगता है, काउंट ज्यादा रहते हैं, तो रिजल्ट लंबे समय तक मिलता है। और रिपीटेड एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो पॉपुलेशन जो फील्ड में डेवलप होगा, आज सॉइल बॉर्न डिजीज का हमारे पोटेटो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि फॉलियर डिजीज तो हम कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो अप्रोचेबल रहता है कि ऊपर स्प्रे करो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो सॉइल में है वो आप क्रॉप को खींच के बाद में तो एप्लीकेशन कर नहीं सकते जी। तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए उसमें सॉइल एप्लीकेशन होना जरूरी है और उसके साथ साथ उसका पॉपुलेशन बिल्डअप हो सॉइल में अच्छे से, उसके लिए हम हर क्रॉप में दो सीजन में दो क्रॉप लेते हैं, मूंगफली रहती है
और बाद में हमारा रहता है पोटेटो, तो ये इकोसिस्टम पूरी बनी रहे, इसलिए हम डिसनल सॉइल का रिपीटेड स्प्लिट डोज में एप्लीकेशन करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक पॉपुलेशन बिल्डअप रहे और एंटागोनिज्म की वजह से अदर हार्मफुल फंगस है जो सॉइल में, वो डेवलप ना हो सके। और क्या रिकमेंड करना चाहते हैं आप किसान को? और साथ में तो फिर इसके साथ साथ ये नैनोरिच और इसके बाद डिसनिल और ये हमारा सीड ग्रो जी, वो भी हम यूज करते हैं आज। तो सीड ग्रो में भी देखा कि बायोलॉजिकल्स और केमिकल के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट हमें मिले हैं आज, मैं हमारी पर्सनली बात करूं और हमारे एरिया में हम जो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि पोटेटो हैवीली फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग क्रॉप है, बल्की क्रॉप है, तो उसको कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन लेना है हमको 3 महीने में, तो खाद तो डालना ही है डालना, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी कैसे बढ़े और उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े, उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा रिसर्च किया और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमने देखा कि एनपीके के जो कल्चर बैक्टीरिया हैं, और अगर जिंक सिलिकॉन और माइकोराइजा वगैरह है वो अगर डालें, और हम डालते थे पहले अलग अलग डालते थे, और बाद में देखा कि सीड ग्रो में सब कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, तो बेटर है कि एक प्रोडक्ट डालें 4-5 प्रोडक्ट को छोड़ के और इसमें रिजल्ट देखे, और इसको भी स्प्लिट में रिपीटेड एप्लीकेशन अगर करते हैं तो हमारी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ती है। और आगे अभी तो हमने फर्टिलाइजर डोज कम नहीं किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कंटिन्यूस यूज इसका करेंगे तो फर्टिलाइजर का डोज भी हम कम कर पाएंगे, जिससे सॉइल हेल्थ बढ़ेगी और फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हम अगर बढ़ाएंगे तो डोज कम करेंगे, खर्चा भी कम हो सकता है और एक हेल्दी इकोसिस्टम डेवलप कर सकेंगे लंबे समय के लिए। अगर सॉइल को सस्टेन करना है, सॉइल को बचा के रखना है, तो ये बायोलॉजिकल्स को केमिकल के साथ कंबाइन करना ही करना है। तो किसानों से हम यही कहना चाहते हैं कि इसको आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और दूसरे खेलों तक पहुंचाएं, जो डिफरेंस देखें कि जो मार्केट में भी कल्चर चल रहा है एक सही दिशा में जाए। हर्ष भाई का मेन प्रयास यही रहता है कि किसान ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर करे और सही खेती करे, और हंटिंग का भी एक स्लोगन है कि टेस्ट कंपेयर सी डिसाइड, आप देखो चेक करो रिजल्ट वेरीफाई करो और फिर आगे भरोसा करो। ठीक है हर्ष भाई, धन्यवाद आपका।